चौकीदार की मिलीभगत से हो रहा बिना अनुमति धड़ल्ले से मिट्टी उत्खनन, जिम्मेदार अधिकारियों को भी कर रहा गुमराह। रामपुरा नीमच मध्य प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व की प्रशासनिक सेवाओं अंतर्गत प्रथम जिम्मेदार कर्मचारी एवं चौकीदार को माना गया है, जो कि संपूर्ण राजस्व विभाग की एक विश्वसनीय साख होती है। अपने क्षेत्र में होने वाली वैध अवैध गतिविधियों की सूचनाओं को जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुँचाना चौकीदार की प्राथमिक सेवाओं में से एक होती है। किंतु यदि वह चौकीदार अपने आप को ग्राम का सर्वे सर्वा समझकर अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए अपने अधिकारियों को गलत जानकारी देकर अवैध गतिविधियों में लिप्त हो जाए, तो फिर विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भरोसा किस पर करें, यह एक विचारणीय तथ्य है। हम बात कर रहे हैं जिला नीमच अंतर्गत रामपुरा तहसील के ग्राम पंचायत चचोर के ग्राम आमलिया चौकीदार की, जिसकी मिलीभगत से ग्राम आमलिया में तथाकथित निजी भूमि पर बिना अनुमति के धड़ल्ले से अवैध मिट्टी उत्खनन हो रहा है। लेकिन चौकीदार द्वारा मिलीभगत से जिम्मेदार अधिकारियों को तालाब गहरीकरण की गलत जानकारी देकर दोषियों को बचाया जा रहा है, जबकि सूत्रों की हकीकत यह बयान करती है कि संबंधित तथाकथित निजी भूमि में 200 रुपये प्रति ट्रिप से हिसाब से दिन भर में कई ट्रैक्टर से ट्राली मिट्टी अन्य खेतिहर किसानों को बिना शासन अनुमति के बेची जा रही है, जिसकी खुदाई जेसीबी मशीन द्वारा की जा रही है एवं प्रशासन के हजारों रुपए की रॉयल्टी राशि का चूना लगाया जा रहा है। इसकी अनुमति किन किन जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा दी गई है, यह भी एक जांच का विषय है।